से अहमदाबाद मणिनगर। ये कब से प्रॉब्लम हाथ में? ये मेरा 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से हाथ बिल्कुल उठता नहीं था, मैं गले में लेके घूमती थी ऐसे, पट्टा बांधा था डॉक्टर ने, योगेश्वर एक डॉक्टर परीक्षा अपने, कोई नहीं हाँ, वो डॉक्टर सबको मैंने बताया, पर सब मेरे को बोले ऑपरेशन कराइए। पर जब आप किसी को ऐसे हाथ घुमाते थे तो मैं वीडियो के आके ऐसे हाथ लगाती थी और मैं बोलती थी गुरु जी मैं नहीं आ पा रही हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, वहीं से मेरा हाथ अच्छा हो जाएगा। तब से मेरा हाथ ऐसा हो गया कि मैं थोड़ा उठा सकती, रोटी बना सकती। फिर मैंने मेरे बेटी को बोला मुझे गुरु जी के पास लेके चल, वो बोले ठीक है मम्मी, मैं मेरे को छुट्टी होगी ना, जॉब करती है उस दिन मैं ले जाऊंगी। मैं फोन किया, गुरु जी ने बोला आओ आप, तो मैं इधर आई। सुबह से मुझे ऐसा हो रहा था मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, भीड़ देख के मैं घबरा गई। मैंने बोला आज शाम को वापिस जाना है तो कैसे मेरा नंबर आएगा, पर गुरु जी की मैं मन में ही आपको प्रार्थना कर रही थी कि मेरे को नंबर आ जाए। मेरी बेटी बाहर है, आवाज दे दीजिए। नहीं उधर ही बैठी पीछे कुर्सी, ऊपर करो। बहुत अच्छा हो गया, अभी तो बिल्कुल एकदम दर्द भी नहीं लग रहा है, बिल्कुल दर्द नहीं लग रहा है। ये कितने बार साल बाद आता प्रभा? 1.5 साल बाद, 1.5 साल हो गया, मेरा हाथ बिल्कुल ऊपर नहीं हो रहा था। मैं रात को सोती हूँ ना तो ये पड़के से ऐसे 2 तकिए इधर और 2 तकिए सिर के नीचे, तब मैं सो पाती थी, सो नहीं पाती थी, पूरी रात रोती थी। इसके वजह से मेरे यहाँ सब दर्द शुरू हो गया, क्योंकि एक ही पड़के सोने का, सीधी मैं सो नहीं पाऊँ, इसी तरह से सोती थी मैं। इतना दर्द मेरे को कुछ कहने के नहीं, मुझे रोना आता था, मैं कैसे जाऊँ। गुरु जी के जितने वीडियो देखती हूँ, मेरे जितने परिवार वाले सबको भेजते हो, रो मेरे को बोलते तो कहाँ कैसे वीडियो भी है आ रही। कोई नहीं, बहुत बड़ी बात है, इनके 1.5 साल के बाद इनका हाथ ऊपर हुआ, जो 1.5 साल से हाथ को इधर उधर नहीं कर सकते थे, लेकिन आज पहली बार आए, पहली बार इनको शानदार फर्क है, शानदार अद्भुत फर्क ये कह सकता हूँ, बहुत ज्यादा। मैं सबको कहना चाहता हूँ, अगर हाथ में किसी को दर्द है, किसी को भी दर्द हाथ में है, एक बार आकर दिखा सकते, क्या पता आप जिंदगी में, देखो मैं सब कह रहा हूँ, कर्म आपके काम करेंगे, विश्वास अपना काम करेगा, ईश्वर चाहेंगे तो आपकी जिंदगी कुछ भी हो सकता है, सब मालिक के हाथ में खेल है सर, सब। और गुरु जी की महिमा अगर आपके ऊपर बरसे तो सर आपकी जिंदगी बदल सकती है, खेल आपके कर्मों पर है। मैं हाथ फेर सकता हूँ, मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, होना ना सब आपके कर्मों पर डिपेंड। गुरु जी की बहुत दुआ, बहुत लोगों को आपने ठीक किया है, मैं आपके इतने वीडियो देखती हूँ ना और सबको बोलती हूँ आप जाइए, मैं नहीं जा पा रही, आप जाइए, आप जरूर एक बार गुरु जी को बता के आइए। जितने भी हमारे पास जानने वाले हैं पहचाने, सबको वीडियो आप मेरे फोन में देखोगे ना, मैं सबको भेजती रहती हूँ, जब भी मैं जिसका बढ़िया देखती हूँ, कोई पैर वाला, कोई हाथ वाला, और तो बच्चे आपने इतने छोटे छोटे ठीक करे ना, एक छोटा बच्चा बिल्कुल चल नहीं पा रहा था जो दौड़ रहा था आपके पास, यहाँ पूरे में दौड़ लगा रहा था, मुझे इतना अच्छा लगा ना, मैंने कहा भगवान गुरु जी तो भगवान बन गया। अभी आज की अभी लेटेस्ट अभी जो है ना, एक बंदा आया था बच्चा, उसको जब उसकी उम्र 6 महीना थी ना, वो बता रहा था कि 6 साल का था उस समय, उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, उसकी उम्र है समथिंग अब 27 साल है अभी, आज उसकी आंखों की रोशनी वापस आई है, पहली बार आया था बंदा। तो सब ईश्वर की दी हुई कृपा है, सब होना ना होना सब आपके कर्मों पर डिपेंड करेगा, मेरा काम है आशीर्वाद देना, नहीं ईश्वर करेगा आपके कर्मों के हिसाब से। वीडियो को शेयर करना, और किसी को फायदा हो जाए, किसी को हाथ में दर्द है तो आप आ सकते हैं जोधपुर में, मिल सकते हैं। धन्यवाद।